आज देवताओं के नायक गणपति जी का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने गए हैं, इसीलिए भी कोई भी कार्यक्रम हो, यज्ञ हो, पूजा हो, गणेश जी की पहली पूजा होती है। गणेश जी देवताओं के नायक हैं, नेता, और इसलिए जब देवताओं को ये कहा गया था कि जिनकी प्रथम पूजा होगी वो एक उनका एक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था और संपूर्ण भूमंडल को, पृथ्वी को जो परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही देवताओं के प्रथम पूज्य होंगे, देवताओं के नायक माने जाएंगे। गणपति चूंकि मूषक उनकी सवारी थी, शरीर भारी था, चलना बड़ा कठिन था और अलग अलग देवता अपने अपने वाहन में सवार होकर के निकल गए, लेकिन गणपति जी ने शरीर से दौड़ने के बजाय बुद्धि का प्रयोग किया और उनको लगा कि जो माता और पिता हैं वही तो समस्त जगत के कारक हैं, वही जगत के प्रतिरूप हैं और इसलिए उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की और सबसे पहले आने की सूचना दे दी। सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे आ सकते हैं चूहे की सवारी में, लेकिन जब उसकी चर्चा हुई तो वो प्रथम नायक माने गए। मैंने माता पिता सब जग माता पिता को उन्होंने सारा जगत मान लिया और उनकी बुद्धि को सभी लोगों ने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। भगवान गणपति के 12 नाम हमारे ऋषियों ने तय किए हैं और मैं समझता हूँ, मैं पहले जो कार्यकर्ताओं को कुछ बातें बताता था तो उनके सामने ये विषय भी रखता था कि जो 12 नाम हैं वही नेताओं के गुण और उनके कैरेक्टर होने चाहिए। पहला नाम है उनका सुमुखस्य, सुंदर मुख वाला, और दूसरा एक दंत, और तीसरा जो नाम है कपिल वर्ण का, सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमस्तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। एक सुमुखश्च का मतलब ये है सुंदर मुख वाला, गणपति जी का मुख तो हाथी का है लेकिन सुंदर मुख क्या होगा, वो उनकी वाणी से होगा। नेता जो बात कहें वो जगत के कल्याण के लिए हो, गरीबों के उद्धार के लिए हो, इसीलिए गणनायक का मुख को सुंदर कहा गया है, जो कल्याणकारी बात करें। एक दंत का मतलब है नेता जो सोचे और जो कहे उसी को करे, मनसा वाचा कर्मणा आचरण एक जैसा होना चाहिए। कपिल वर्ण, नेतृत्व को तेजस्विता होना चाहिए कपिल वर्ण का, ताकि वो किसी अनर्थ के विरुद्ध अगर खड़े हों तो उसका समाधान निकल सके। गजकर्ण का, हाथी का कान गणपति जी का है, अर्थात नेता सबकी बात सुन सके, इतनी क्षमता उनके कानों में हो, इसलिए बड़ा काम दिया, सब गरीब दुखी अमीर छोटे बड़े सबकी बात। गजकर्ण का लंबोदरस, और पेट बड़ा दे दिया, मैंने सबकी बात सुने और उतनी ही बात बाहर निकालें जितनी जरूरत है, बाकी सब पेट में हजम हो जाए। लंबोदर से विकटो, कठिन परिस्थिति में कठिन निर्णय की लेने की क्षमतावान, ये गणनायक का काम है, ये नेता का काम है। कपिलो गजकर्ण कह लंबोदर से विकटो विघ्न नाशो,
देश में, समाज में लोगों के लिए बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो सब नेताओं के पास पहुंचते हैं, उस विघ्न को दूर करने की क्षमता उनमें हो, विनायक। और जो श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उस लीडरशिप को वो भी माने, विनायक माने विशेष नायक। श्रेष्ठ लोगों में भी उन नेतृत्व की दृष्टि से उन्हें उचित माना जाए, ये उसकी विशेषताओं में है। विघ्ननाशो विनायक, विशेष नायक, विशेष लोगों के नायक। धूम्र केतु, गणेश जी का जो ध्वज है, केतु माने ध्वज, धुआं है, पहले गैस वैस नहीं रहा होगा तो उसका मतलब है कि सबके घरों में दोनों समय चूल्हा जलना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए, तभी उसका झंडा ऊपर माना जाता है कि वो झुका नहीं है। इसीलिए आज भी चलन में ये बात है कि किसी के राज्य में कोई आदमी भूखे अगर मर गया माना जाएगा तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा, उसको कोई मानते नहीं है। इसीलिए धूम्र केतु गणाध्यक्ष, गण माने सामान्य जन जो हैं, जो गड़बड़ करने वाले भी हों, कुछ अनर्थ आचरण वाले भी हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप को वो सभी मानने वाले हों, सभी के लीडर हों, ऐसा गणपति के एक विशेषता में बताया गण नायक। सुमुखस्य एक दंतस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्र केतु गणाध्यक्षो भालचंद्र। एक नाम गणेश जी का भालचंद्र है, जिसके माथे पर चंद्रमा हो, तेजस्विता हो, शक्ति संपन्न हो, लीडर, लेकिन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो, शीतल हो, उग्र और व्यग्र होने की स्थिति उनके ऊपर आना ही नहीं चाहिए, सभी बातों को शांति से हल कर सकने की क्षमतावान। भालचंद्र गजानन, और जिनका मुख जो है आनन माने मुख, हाथी के जैसा हो, उसका अर्थ मैं समझता हूं ये है कि वो सभी के लिए अच्छे और खराब परिस्थितियों में भी अच्छी बात कर सकें, श्रेष्ठ बातों को कह सकें, सबके कल्याण की बात करें, और वो सबके घरों में जाएं आएं। बहुत लोग आजकल वो माने दलितों के घर में भोजन करने किसकी करने की बात आती है, इसके पीछे गणनायक का अर्थ यही है कि जहां भी जिस तरह का भी खाना मिल सके उसको प्रेम और रुचि से खा लें, किसी के घर में, किसी के आंगन में, किसी के माने पर्ची पर। तो ऐसा जो स्वभाव है ये गणपति जी का है। आज गजानन जी का उत्सव प्रारंभ हो रहा है, इस मौके पर सभी देशवासियों को माने गजानन जी का मैं जो महोत्सव है उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हम उम्मीद करते हैं गणपति आने वाले समय में देश के और सबके संकटों को दूर करके निर्विघ्न रूप से आने वाला कल सुंदर बनाने के लिए उनका जो महत्व है, उनका जो कृतित्व है और उनका जो आशीर्वाद है वो हमें देगा, माने हम लोगों को सबको सुखी और संपन्न बनाएगा। गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपीथ जम्बू फल चारु भक्षितम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, वक्रतुंडम महाकाय सूर्य कोटि समप्रभाम, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः।